दोस्तों, अगर आप फोन पे के अंदर अपना न्यू बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं या फिर अपना ऑलरेडी कोई आपने बैंक अकाउंट लिंक करके रखा है उसे आप अनलिंक करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि दोस्तों, फोन पे का जो अपडेटेड जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर बैंक अकाउंट को लिंक करने की और जो अनलिंक करने की जो मेथड है वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। अगर आप ओल्ड वर्जन देखोगे फोन पे का, तो वहां पे हमें दोस्तों माई मनी के ऑप्शन के अंदर ही सामने हमें लिंक करने का और डीलिंक करने का, मतलब हमारे जितने भी जो हमने बैंक अकाउंट उसमें ऐड करके रखे थे या ऐड करने का ऑप्शन हमें दिखाई देते थे। लेकिन अभी ये लेटेस्ट जो अपडेटेड वर्जन है इसके अंदर हमें दोस्तों बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन हमें जनरली जल्दी दिखाई नहीं देता है। तो किस तरह से आपको फोन पे के लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन के अंदर बैंक अकाउंट को लिंक करना है या फिर अनलिंक करना है, इसी के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो के मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अपना फोन पे एप्लीकेशन उसे अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद में जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर कहीं भी दोस्तों बैंक अकाउंट ऐड या रिमूव करने का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। अगर आप स्टोरीज पे देखोगे तो यहाँ पर भी नहीं है, इंश्योरेंस पे देखोगे तो यहाँ पर भी नहीं है, उसके बाद में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे देखोगे तो यहाँ पर भी आपको नहीं दिखाई देगा। उसके बाद में दोस्तों आप हिस्ट्री के ऊपर देखेंगे तो हिस्ट्री में आपको जो है ट्रांजेक्शन वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पे जो बहुत से न्यूबीज है या फिर जो ऑलरेडी फ़ोनपे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे दोस्तों, तो वो कन्फ्यूज़न में है कि कहाँ से हम अपना जो बैंक अकाउंट है उसे लिंक करे या अनलिंक करे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको इधर लेफ्ट साइड में टॉप के ऊपर प्रोफाइल के आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, मतलब आपने जितने भी बैंक अकाउंट अगर ऐड करके रखे हैं तो वहाँ पे आपको उस बैंक अकाउंट के यहाँ पे आपको दोस्तों जो है नाम दिखाई देंगे। आप देख सकते हो कि मैंने इस फ़ोनपे अकाउंट के ऊपर चार बैंक लिंक करके रखा हूँ। आप देख सकते हो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पेटीएम का भी है और साथ ही साथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है। तो अब आपको करना क्या है कि अगर आपको कोई बैंक अकाउंट को रिमूव करना है या फिर ऐड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे व्यू ऑल पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक ऑप्शन ऐड न्यू का, तो दोस्तों आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके न्यू ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोन यहाँ पे एक बैंक अकाउंट को रिमूव करके और फिर उसे लिंक करके बताता हूँ। तो यहाँ से मैं पेटीएम के अकाउंट पर क्लिक करता हूँ मेरे और इसे दोस्तों मैं यहाँ से अनलिंक करता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अनलिंक का, तो यहाँ पे मैं अनलिंक बैंक अकाउंट यहाँ पे करता हूँ। तो जैसे मैं अनलिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं अनलिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरा जो पेटीएम का बैंक अकाउंट है वो अनलिंक हो चुका है। अब मैं इसे आपको ऐड करके बताता हूँ। तो ऐड न्यू के ऑप्शन पर जाऊँगा और ऐड न्यू के ऑप्शन पर जाने के बाद मैं यहाँ पर सर्च में मुझे सर्च करना है पेटीएम बैंक अकाउंट, तो ये देखिए आ चुका है, उसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ से एक मैसेज जाएगा और आप देख सकते हो कि कितने फास्ट यहाँ पे जो दोस्तों मेरा जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर लिंक हो चुका है। डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो कि फिर से यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम पेमेंट बैंक्स और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो या अनलिंक कर सकते हो। तो दोस्तों इस न्यू अपडेटेड वर्जन के अंदर इस तरह की दोस्तों मेथड यहाँ पर आ गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।